अगर मैं आपको कहूँ कि आप स्कूल के बाद जर्मनी आ सकते हो और यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो एंड उस पढ़ाई के लिए आपको कोई फीस भी पे नहीं करनी, इनफैक्ट आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते हो एंड वो काम करने के लिए आपको पैसे मिलेंगे और वो भी 1 लाख रुपए पर मंथ, तो आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा राइट। बट ये सच है और ये कैसे पॉसिबल है ये मैं बताने वाली हूँ आज की ये वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हेलो, मेरा नाम कोमल है और मैं जर्मनी में रहती हूँ एंड बनाती हूँ वीडियोस अराउंड बहुत सारे टॉपिक अबाउट जर्मनी एंड आल्सो अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो आज का जो टॉपिक है कि आप जर्मनी में पढ़ाई के साथ साथ पैसे कैसे कमा सकते हो, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, जनरली क्या होता है कि स्कूल होने के बाद जनरली लोग बैचलर्स करते हैं या फिर बैचलर्स होने के बाद मास्टर्स करते हैं और सोचते हैं कि चलो हायर एजुकेशन के लिए ही जर्मनी जाना पड़ेगा। बट जर्मनी में स्कूल के बाद भी आप मूव हो सकते हो और उसका एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है एंड दैट इज आउसबिल्डिंग। तो देखो, आउसबिल्डिंग क्या है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप जो है उसको जर्मनी में कहते हैं आउसबिल्डिंग। तो आउसबिल्डिंग इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बस आपको थ्योरी नॉलेज होगी, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उसके आपको पैसे भी मिलेंगे। तो अगर मैं आउसबिल्डिंग के आपको टाइप्स बताऊँ तो दो टाइप्स होते हैं, एक तो शुलिश आउसबिल्डिंग जिसमें क्या होता है कि ज्यादा फोकस ना थ्योरेटिकल नॉलेज पे होता है, तो मतलब प्रैक्टिकल भी डेज होते हैं आपको बट वो बहुत स्पेसिफिक डेज होते हैं, मोर फोकस इज ऑन थ्योरी। और दूसरा होता है ड्यूअल आउसबिल्डिंग, तो उसमें क्या होता है जितना आपको थ्योरी पढ़ाते हैं उतना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है, उतना आपको काम करने का भी मौका होता है, लाइक दोस डेज आर डिवाइडेड, तो उसके हिसाब से आप थ्योरी क्लासेस भी अटेंड करते हो और उतना ही फोकस प्रैक्टिकल के लिए भी होता है। एंड इनफैक्ट दैट्स द रीजन ये जो ड्यूअल आउसबिल्डिंग है ये बहुत जर्मनी में कॉमन है। तो अगर आप सोच रहे होगे कि कौन से टॉपिक पे आउसबिल्डिंग किया जा सकता है, तो देखो वैसे तो 300 से भी ज्यादा प्रोफेशंस है, बट कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो नर्सेस, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, फोटोग्राफर, आईटी टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, बैंकर्स, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस है, तो वो चूज कर सकते हैं। एंड इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये एक बहुत आपको बड़ा क्वेश्चन होगा। तो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी ज्यादा नहीं है, सबसे पहले तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एंड दैट इज जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज का आपको एटलीस्ट B1 लेवल सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उनको पता लगे कि हाँ ये जर्मन लैंग्वेज अच्छी बोल सकते हैं। एंड एज का भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट बिकॉज ये जनरली लोग आपके स्कूल के बात करते हैं तो जनरली यहाँ पे 16 से 25 साल की रेंज में बहुत सारे लोग आउसबिल्डिंग करते हैं, बट मैक्सिमम एज लिमिट भी कुछ नहीं है। जैसे कि नर्सिंग का जो प्रोफेशन है, नर्सिंग की जो आउसबिल्डिंग है उसमें अप टू 40 ईयर्स के भी लोग हैं जो आउसबिल्डिंग करते हैं। तो एज जो है फैक्टर वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा आउसबिल्डिंग चूज करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। और ये जो आउसबिल्डिंग है इसका ड्यूरेशन होता है समवेयर अराउंड 2 ईयर्स से 4 ईयर्स एंड ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा आउसबिल्डिंग चूज करते हो। तो मैंने ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढे है, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, जो आप 24 मंथ्स का करोगे तो उसमें जो आते हैं आउसबिल्डिंग दैट इज बाइसिकल मैकेनिक, वेयरहाउस स्पेशलिस्ट, सेल्समैन, पोस्टल सर्विस स्पेशलिस्ट। एंड जो आउसबिल्डिंग लॉन्गर ड्यूरेशन के है उसमें आता है केमिकल टेक्नीशियन, ट्रेनिंग इन ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट मैकेनिक एंड फार्मासिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, और नर्सिंग जो है वो अराउंड 2 से 3 ईयर्स। मतलब ये जो सारे प्रोफेशंस मैं बता रही हूँ और ये जो ड्यूरेशन बता रही हूँ, ये याद रखना कि इस ड्यूरेशन में आप थ्योरेटिकल नॉलेज जो पढ़ाई है वो भी आपकी चल रही है और साथ ही साथ आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी मिल रही है और इसके आपको पैसे भी मिल रहे हैं। और ये जो पैसे कितने मिलते हैं स्पेसिफिकली, मतलब क्या रेंज है, वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो देखो, आउसबिल्डिंग के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। तो एक फैक्टर तो ये है कि आप कौन सा आउसबिल्डिंग चूज करते हो, उसकी कितनी ज्यादा डिमांड है, और वो कौन से डिमांड वाले आउसबिल्डिंग है वो भी मैं आगे जाके बताने वाली हूँ, तो एंड तक जरूर देखना। तो वो डिपेंड करता है आउसबिल्डिंग आप कौन सा चूज करते हो उस पे, और दूसरी चीज है कि आप जर्मनी के कौन से रीजन पे हो। तो अगर मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बताऊं तो सैलरी रेंज करेगी समवेयर अराउंड 650 यूरो से लेके 1300 यूरो ग्रॉस अमाउंट। एंड ये सैलरी भी डिपेंड करती है कि आप कौन से ईयर पे हो, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि आप जब स्टार्ट करते हो तब आपकी सैलरी कम है, सेकेंड ईयर में बढ़ जाती है, थर्ड ईयर में और ज्यादा हो जाती है। तो जैसे ही आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपके ग्रेड्स भी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसे आएंगे, उसके हिसाब से आपकी अमाउंट भी इंक्रीज हो सकती है। एंड और एक चीज एक ड्यूरेशन में मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे भी हो सकता है कि आपको ग्रेड्स अच्छे आए, आपके पास कोई यू नो एक्सटर्नल और कोई डिग्रीज है, तो उस बेसिस पे आपका जो आउसबिल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो भी आप नेगोशिएट कर सकते हो कि वो भी आपका 6 मंथ्स या 1 साल कम हो सकता है। मतलब आप आउसबिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली फुल टाइम काम भी कर सकते हो, और एक बार आप फुल टाइम काम करने लगते हो तो आपकी सैलरी समवेयर अराउंड 2500 यूरो से 3500-4000 यूरो ग्रॉस अमाउंट पर मंथ हो सकती है। तो देखो, आउसबिल्डिंग जो ये है वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो इसके लिए मतलब आप स्कूल के बाद डायरेक्टली पढ़ाई करके आप काम करने लगते हो एंड उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली आप जॉब मार्केट में उतरते हो, तो इस रेंज की ये सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप कोई बैचलर्स या मास्टर्स वैसी डिग्री नहीं करते हो जैसे बाकी डिग्रीज होती है, तो ये एक डिफरेंस है डिग्री पर्सपेक्टिव, बट दिस इज बेसिकली कि आप स्कूल के
बाद डायरेक्टली वो स्किल्स जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियन, ये स्किल्स डेवलप करते हो और डायरेक्टली आप, क्योंकि ये प्रोफेशंस बहुत डिमांड में है जर्मनी में, तो इसलिए ये अच्छे पे भी करते हैं। और एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जब आप हाउसबिल्डिंग करते हो तब यहाँ पे आप जर्मनी में पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो, एंड दैट इज 10 आवर्स पर वीक। तो और मतलब डिटेल जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहां पे भी चेक कर सकते हो, बट दैट इज अबाउट हाउ यू कैन वर्क पार्ट टाइम एंड ऑल्सो अर्न मनी। मतलब एक तरफ आपको सैलरी भी मिल रही है जब आप हाउसबिल्डिंग कर रहे हो और आप पार्ट टाइम भी काम करके, मतलब आपका जो रहने का खर्चा है और यहाँ पे जो भी मैनेज करने के लिए लगता है वो आप आसानी से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी मैं क्विकली बताती हूँ कि आप हाउस बिल्डिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मेन रिक्वायरमेंट है कि जर्मन होनी चाहिए, तो जर्मन B1 लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट, कुछ केसेस में तो B2 लगता है, तो उसके हिसाब से आप चेक करो कि क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका मेन डॉक्यूमेंट है, वो आपने करना है जर्मन में ट्रांसलेट और उसको लेजिटिमेट करना है आसपास जो जर्मन एम्बेसी है वहां पे जाके, एंड जो आपका ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जो आपने ट्रांसलेट किया है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए जर्मनी में भी। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स जर्मनी में भेजने होंगे और आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज करना होगा। उसकी पूरी डिटेल प्रोसेस है, वो आप कैसे कर सकते हो वो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दी है उसमें आप चेक कर सकते हो क्या प्रोसेस है। एंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो CV है एंड मोटिवेशन लेटर है वो भी जर्मन में होना चाहिए। वंस दैट इज देयर फिर आपने करना है हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई। तो हाउस बिल्डिंग के लिए मतलब जैसे आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो ना, ऐसे ही हाउस बिल्डिंग के लिए भी बहुत सारे वेबसाइट्स है, वहां पे आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हो हाउस बिल्डिंग के लिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर योर वीजा। और बेसिकली वीजा के लिए आपको ये दिखाना है कि जहां पे आपने हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई किया है वहां से आपको एक्सेप्टेंस मिला है, आपके पास वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जो लैंग्वेज के लिए सर्टिफिकेशन है वो सब कुछ है, एंड कुछ केसेस में ना वो प्रूफ भी मांगते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए। मतलब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि जो आपको हाउस बिल्डिंग मिला है उसकी आपको सैलरी कितनी ऑफर करी गई है। अगर वो कम ऑफर करी है हाउस बिल्डिंग सैलरी, इन दैट केस आपको कुछ फाइनेंशियल मीन्स दिखाने होते हैं। तो वो वीजा की जो सारी डिटेल्स है वो भी लिंक में है, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो दैट्स इट, एक बार वीजा अप्लाई हो जाता है तो आप जर्मनी आके स्टार्ट कर सकते हो आपका हाउस बिल्डिंग। एंड अभी लेट मी टेल यू कि कौन से है हाउस बिल्डिंग के टॉप पेइंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहले तो है नर्सिंग, देन एविएशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री। एंड इसके अलावा मैं कुछ आपको हाउस बिल्डिंग प्रोफेशंस बता रही हूँ जो यहाँ पे बहुत इन डिमांड है या फिर यू नो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे किए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नर्सिंग, देन IT स्पेशलिस्ट, मैकेट्रॉनिक्स, देन द सेल्समैन, सेल्स वुमेन जो कि सेल्स फील्ड में है, देन इंडस्ट्रियल क्लर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, बैंक क्लर्क, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस क्लर्क एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो ये बस कुछ एग्जांपल्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस है जो यहाँ पे बहुत इन डिमांड है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियंस, ये भी बहुत सारे यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट कौन सा है एंड व्हाट इज द वर्क विच यू वुड लाइक टू डू, तो उसके हिसाब से आप आपका कोर्स या हाउस बिल्डिंग प्रोफेशन चूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही हाउस बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन जो मैंने रिसर्च करके पता करी है, एंड देन आई एम शेयरिंग इट विथ यू, क्योंकि बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हाउस बिल्डिंग के बारे में बताओ कैसी प्रोसेस है, क्या क्या करना होता है। सो हियर इज व्हाट आई कुड शेयर विथ यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो कमेंट्स में पूछना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। एंड कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिसके बारे में आपको वीडियो देखनी है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, जिन्हें हाउस बिल्डिंग करना है या जिनको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी ये हेल्प हो सके। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, ऑफ वीडियोज़ इन।